गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का समुच्चय। समुच्चय का ये तीसरा भाग है, इसमें समुच्चयों का हम बीजगणित देखेंगे, संघ सर्वनिष्ठ करने पर, अंतर लेने पर और पूरक लेने पर क्या होता है, पूरक लेने पर रिजल्ट वगैरह लेना। तो जैसे पहला है वर्गसम नियम, वर्गसम नियम ये है, ए का ए से ही यूनियन करेंगे तो ए आएगा। अब इसको बराबर सिद्ध करना है तो इसको इसका उपसमुच्चय और इसको इसका उपसमुच्चय हम सिद्ध करेंगे तो बराबर होते हैं। दो समुच्चय बराबर तब होते हैं जब एक दूसरे के उपसमुच्चय होते हैं। तो इसका जैसे एक एलिमेंट लेकर के जाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ए का एलिमेंट है, मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन ए समुच्चय उपसमुच्चय है ए का। अब हम ए का एक एलिमेंट लेकर चलते हैं, मान लीजिए वाई, वाई बिलोंग्स टू ए, इसको हम लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू ए या वाई बिलोंग्स टू ए, या इसको हम लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। हमने ए का एलिमेंट लेकर चला था और ये ए यूनियन ए हो गया, तो ए इसका उपसमुच्चय है कहेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे का उपसमुच्चय हो गया समीकरण एक और समीकरण दो से, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। ऐसा इसी प्रकार होता है तत्समक नियम, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होगा या ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तब ए होगा। ए कब आएगा, ऐसा है यूनियन का तत्समक एलिमेंट फाई है और इंटरसेक्शन का तत्समक यू है। इसको ऐसे सिद्ध करना आसान है, आपको बुक में भी मिल जाएगा। जैसे क्रम विनिमय नियम है, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, आगे पीछे लिखना है ऐसे ही, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ऐसे आगे पीछे करके लिखना है तो वही का वही आएगा। हम डी मॉर्गन नियम को यहाँ प्रूव कर लेते हैं, डी मॉर्गन नियम को प्रूव कर लेते हैं। बाकी तो सब साचर्य नियम, मतलब इन दोनों को पहले एक बार लो, उसके बाद बी और सी को एक साथ यूनियन लो तो बराबर रहेगा। वितरण नियम है ए इंटरसेक्शन, चलो वितरण को भी बता देते हैं, वितरण नियम को भी प्रूव कर देते हैं और डी मॉर्गन नियम को, बाकी सब तो ईजी है। और इधर कुछ प्रश्न है उसको भी प्रूव करेंगे। तो वितरण नियम, पहला वाला वितरण नियम है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा है। तो इसका एक एलिमेंट लेकर चलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन होने की वजह से एक्स ए में है तथा एक्स बी यूनियन सी में है। इसका मतलब ये होगा कि एक्स ए में है तथा, अब इसको परिभाषित करते हैं, तो यूनियन होने की वजह से एक्स बी में है या एक्स सी में है। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं कि एक्स ए में है तथा एक्स बी में है, या फिर एक्स ए में तो है ही दिया हुआ है, या फिर एक्स सी में भी है। अच्छा, यहाँ तथा है तो यहाँ तथा आएगा, ये या को तो हमने यहाँ लिख लिया, तथा एक्स सी में है। तो इसका मतलब हुआ एक्स ए में है और एक्स बी में है, दोनों में है, मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है। और इसका मतलब हुआ या एक्स ए इंटरसेक्शन सी में है। अब क्या है कि यहाँ या है तो अब यूनियन लगा देंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रकार जो इस साइड का समुच्चय है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये उपसमुच्चय हो गया ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। अब हम इसका एक एलिमेंट लेकर चलते हैं सेकंड पार्ट का, तो वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर देखिए, अब वितरण नियम को, साचर्य नियम को तो आसान है, आप कर लीजिएगा, डी मॉर्गन नियम को करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है, ये यूनियन को परिभाषित करेंगे तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b या y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। फिर आगे इसके इंटरसेक्शन को परिभाषित करेंगे तो y बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b या y बिलोंग्स टू a तथा y belongs to c। अब क्या है, इसमें
ए दोनों में है, वाई बिलोंग्स टू ए और उसके बाद तथा है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू ए तथा, उसके बाद इसको लिखेंगे वाई बिलोंग्स टू बी या वाई बिलोंग्स टू सी। तो अब इसकी परिभाषा लगा देते हैं, ये या की तथा वाई बिलोंग्स टू या है तो बी यूनियन सी संघ। अब ये तथा की परिभाषा लगा देते हैं तो वाई बिलोंग्स टू तथा है तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस प्रकार हमने इसका एलिमेंट लेके चला तो उसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो देखिए समीकरण एक कह रहा है कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दूसरा समीकरण में बोलता है ये इसका सबसेट है, मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर सिद्ध हो गया समीकरण एक व दो से, एक व दो से एक दूसरे के बराबर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें डी मॉर्गन लॉ को, डी मॉर्गन का नियम, दो नियम है इसका भी, उसको प्रूव करते हैं। पहला है ए यूनियन बी का पूरक बराबर ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ये हमको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है तो हम इसका एलिमेंट लेकर चलते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का पूरक। पूरक का मतलब होता है कि इसमें एलिमेंट यदि इसके पूरक में है तो इसमें नहीं रहेगा, इसका मतलब है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब जब एक से ए यूनियन बी में नहीं है तो दोनों में नहीं होगा, तभी नहीं है, दोनों में से किसी एक में होता तो यूनियन में संघ में आ जाता। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब जब ए में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट पूरक तथा एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम तथा की परिभाषा लगा देते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, इस प्रकार ये इसका सबसेट हो गया, ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब हम इसका एलिमेंट लेकर चलते हैं वाई बिलोंग्स टू ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, तो ये हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू ए डेस इंटरसेक्शन इसलिए तथा वाई बिलोंग्स टू बी डेस। जब ए डेस बी डेस में है तो उस समुच्चय में नहीं होगा, ए डेस बी डेस में नहीं है तो y does not belongs to A तथा y does not belongs to B। जब A और B में नहीं है तो इंटरसेक्शन में तो होने का छोड़िए, उसके यूनियन में भी नहीं रहेगा, मतलब y उसके A यूनियन B में भी नहीं रहेगा, does not belong। जब A यूनियन B में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में रहेगा। तो ऐसे हमने अब इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों समीकरण से दोनों बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा डी मॉर्गन लॉ को भी प्रूव किया जा सकता है। हम इधर के कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो इधर लिखे हुए हैं। इसमें पहला है ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें होगा क्या, अभी तक जैसे कर रहे हैं वैसे ही इसका एक एलिमेंट लेके चलते हैं एक्स बिलोंग, एक बिलोंग टू ए माइनस बी यूनियन सी, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ए में है तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, एक्स ए में है तथा इसमें नहीं है, माइनस है तो इसमें नहीं रहेगा, जब इसमें यूनियन में नहीं है तो दोनों में नहीं रहेगा वो, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब क्या है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी तथा एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब है ए में है और बी में नहीं है तो ए होगा ए माइनस बी में तथा इसी प्रकार एक्स होगा ए माइनस सी में, और दोनों में है तथा है इसीलिए ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी,
ए माइनस बी और ए माइनस सी दोनों में होगा। तो इस प्रकार ये इसका सबसेट हो गया कि ए माइनस बी यूनियन सी इज से सबसेट ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अब नेक्स्ट इस साइड का लेते हैं, माना वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो इंटरसेक्शन होने की वजह से हम लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी तथा वाई बिलोंग्स टू ए माइनस सी। अब फिर इस माइनस की परिभाषा लगाते हैं, तो ए में होगा बी में नहीं होगा, वाई बिलोंग्स टू ए तथा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी तथा वाई बिलोंग्स टू ए तथा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसको हम आगे लिख सकते हैं इसके फॉर्म में कि वाई बिलोंग्स टू ए तथा देखिए वाई इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है तो उसके यूनियन में भी नहीं होगा, तथा वाई बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू बी तथा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो उसके जब दोनों में नहीं है तो उसके यूनियन में भी नहीं होगा, वाई बिलोंग्स टू ए तथा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। मतलब ये हुआ कि वाई बिलोंग करेगा इसमें है इसमें नहीं है तो ए माइनस बी यूनियन सी में ये बिलोंग करेगा। इस प्रकार ये जो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी सबसेट है ए माइनस बी यूनियन सी का, दोनों एक दूसरे का सबसेट है मतलब दोनों इक्वल है। इस प्रकार इसको हम प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इसी टाइप का है, बस इसमें माइनस का जो पोजीशन है वो चेंज है, माइनस का पोजीशन चेंज है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इसके आधार पे बनाना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में लिखा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी। एक प्रकार से वितरण नियम ही है इसलिए उधर को हमने प्रूफ नहीं किया, इधर को प्रूफ कर रहे हैं ए माइनस सी। इसमें माइनस का इंटरसेक्शन में वितरण है तो यहाँ यूनियन हो गया है, ये सब लॉ ही है। तो हम एक इसका एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। जब बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है तो ऐसा कह सकते हैं कि बी में नहीं होगा, बी में होगा सी में नहीं होगा तो भी इसमें नहीं रहेगा, और बी में सी में रहेगा बी में नहीं रहेगा तो भी नहीं रहेगा इंटरसेक्शन में। तो हम इसको याद लिखना पड़ेगा इसमें, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स जब इंटरसेक्शन में नहीं है तो या तो बी में नहीं है या तो सी में नहीं है, वो ऐसा लिखना पड़ेगा हमको। दोनों में नहीं है ऐसा नहीं कर सकते, दोनों में नहीं होता तो इसको यूनियन में भी नहीं होता, यूनियन में हो सकता है। तो आगे देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, या एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसको हम आगे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, या ये वाला या एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी। अब ये या है तो इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो इस प्रकार जो पहला भाग है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी सबसेट हुआ ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी का। इसी प्रकार दूसरा पार्ट को लेते हैं वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो इसका मतलब ये होगा कि वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन है तो या वाई बिलोंग्स टू ए माइनस सी। अब माइनस की परिभाषा लगाएंगे तो वाई बिलोंग्स टू ए तथा y does not belongs to b, माइनस b है इसलिए, या y belongs to a तथा y does not belongs to c। तो
इसको हम लिख सकते हैं आगे y belongs to A तथा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, या है ना, सामने में तो तथा आ गया, फिर यहाँ बीच में या है, तो हम लिखेंगे y belongs to B, does not belongs to B, या y does not belongs to C। तो या तो इसमें नहीं है या इसमें नहीं है, मतलब उसके यूनियन में हो सकता है लेकिन इंटरसेक्शन में नहीं रहेगा, या तो इसमें नहीं है या तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है तो भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, इसमें है इसमें नहीं है तो भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इसको हम लिख सकते हैं y belongs to A तथा y does not belongs to B intersection C। तो इस प्रकार हो जाएगा y belongs to A minus B intersection C, ऐसे हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो है A minus B यूनियन A minus C सबसेट हो गया A minus B intersection C का। तो इन दोनों समीकरण से समीकरण एक व दो से दोनों बराबर हुए। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है तीसरा प्रश्न में ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसी के जैसे है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो जैसे अभी कर रहे थे इधर पहले वाले क्वेश्चन में माइनस यहाँ था इंटरसेक्शन यहाँ था, तो क्या था कि माइनस यहाँ आ गया इंटरसेक्शन बीच में आ गया था और यूनियन हो गया था। तो यहाँ क्या है, अब इस क्वेश्चन को आप स्वयं भी कर सकते हैं, सेम टाइप का है और ये भी लगभग सेम टाइप का है ये क्वेश्चन भी। इसको हम देखते हैं पांचवा को, ए यूनियन बी माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी प्रूव करना। तो देखिए इसका एक एलिमेंट लेके चलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस बी, इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी तथा x does not belongs to B। तो यहाँ पर देखिए A में है या B में है, और यहाँ बोल दे रहा है तथा ये B में नहीं है, मतलब कुल मिलाकर B में नहीं है ये, x belongs to A तथा x does not belongs to B, तो इसका मतलब हुआ x belongs to A minus B, means A union B minus B subset है A minus B का। अब हम A minus B का ले लेते हैं, y belongs to a minus b, इसका मतलब है y belongs to a तथा y does not belongs to b। अब इसको ऐसा भी, b में तो नहीं है तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि y a में है लेकिन b में नहीं है, तो a में है इस वजह से इसके यूनियन में तो जरूर होगा a यूनियन b में, तथा y does not belongs to b, तो हम लिख सकते हैं y belongs to A union B minus B। तो इस प्रकार ये इसका सबसेट हो गया, A minus B is subset of A union B minus B। तो इस प्रकार ये क्या है, दोनों समीकरण से बराबर सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है छठवां में, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए प्रूफ करना है। तो इसका लेकर हम चलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तथा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब है x belongs to A या x belongs to B तथा x belongs to A या x belongs to B complement। तो आगे लिख सकते हैं x belongs to A
या x belongs to b तथा x belongs to a या x does not belongs to b। जब b कॉम्प्लीमेंट में है तो b में नहीं होगा, और b में नहीं है तो इस कथन का कोई मतलब नहीं है। हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि x a में है, मतलब a union b, इंटरसेक्शन a union b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a। अब a का एक एलिमेंट ले लेते हैं y belongs to a, इसका मतलब है y belongs to a तथा, अब देखिए b के बारे में हमको पता नहीं है, b के बारे में हमको पता नहीं है, या तो b में होगा या तो b में नहीं होगा। y belongs to b या y does not belongs to b, ऐसा हम लिख सकते हैं। b में होगा या नहीं होगा हमको पता नहीं, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो जब ऐसा होगा तो हम आगे लिख सकते हैं y belongs to a या y belongs to b तथा y belongs to, अच्छा b में नहीं है ये, a या y does not belong है, इसको हम ले सकते हैं y belongs to b complement। तो ये वाला बन गया y belongs to a union b तथा y belongs to a union b complement, तो इन दोनों की इंटर तथा कारण इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, a union b इंटरसेक्शन a union b डेस, मतलब a जो है सबसेट है a union b इंटरसेक्शन a union b complement का। तो ये दोनों कथन से दोनों बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमने देखा छठवें नंबर का प्रश्न, अब सातवें नंबर का देख लेते हैं। सातवें नंबर का क्वेश्चन, ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू बी प्रूफ करना है। तो अच्छा ये नौवां तो पांचवा जैसे ही है, आठवां बस और प्रूफ कर देंगे। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी, इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए या x belongs to, अच्छा ये दोनों एक साथ हैं, पहले इस माइनस की परिभाषा लगेगा, माइनस की परिभाषा लगेगा, तो x belongs to a union b तथा x does not belongs to a minus b, इसका मतलब है x belongs to a या x belongs to b यूनियन का, तथा x does not belongs to a minus b है, a minus b में नहीं है तो कैसे में हो सकता है, a minus b में नहीं यानी b में हो सकता है, b में हो सकता है a में नहीं हो सकता, इसमें नहीं है, a में रहता तो इसमें रहता, मतलब ये b में है और a में नहीं है। तो x belongs to b तथा x belongs to does not belongs to a, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ x belongs to a बोला जा रहा है और यहाँ तथा करके x does not belongs to a बोला जा रहा है, तो a का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा x belongs to b आ जाएगा। मीन्स a union b माइनस a माइनस b सबसेट है b का। अब हम एक एलिमेंट b का ले लेते हैं y belongs to b, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b में है तो a में हो भी सकता है और a में नहीं भी हो सकता है, y belongs to b तथा y belongs to a या y does not belongs to a। तो आगे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ बीच में यहाँ यहाँ तथा है तो लिख सकते हैं कि y belongs to b या
वाई बिलोंग्स टू ए तथा वाई बिलोंग्स टू बी या वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ए में नहीं है तो बी माइनस ए में होगा, ये बन जाएगा वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तथा ए में नहीं है बी में है। तो कहना चाहिए कि ए माइनस बी में नहीं रहेगा, ए में नहीं है तो ए माइनस बी करेंगे तो बी में है तो भी हट जाएगा वो। तो इसको लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ए में नहीं है तो ए माइनस बी में नहीं रहेगा। अब ये हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू इसमें है और इसमें नहीं है तो ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी। तो इस प्रकार बी जो है सबसेट हो गया ए यूनियन बी माइनस ए माइनस बी का। तो ये दोनों कथन से दोनों बराबर हुए। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। a माइनस बी यूनियन a इक्वल टू a प्रूव करना है। तो इसका एक एलिमेंट लेते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b या x डज नॉट बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ x बिलोंग्स टू a बोल रहे हैं तथा b में नहीं है बोल रहे हैं और a में फिर से है बोल रहे हैं, कुल मिलाकर a बन गया ये। तो a माइनस बी यूनियन a सबसेट हो गया a का। अब एक y ले लेते हैं y बिलोंग्स टू a, इसका मतलब है y बिलोंग्स टू अब a में होगा या फिर नहीं होगा, ऐसा वाला कंडीशन आ सकता है। x बिलोंग्स टू a तथा x a में x b में होगा नहीं होगा या फिर x b में होगा। तो इसको लिख सकते हैं y belongs to a तथा y does not belongs to b या x belongs to a, ऐसा करके लिख सकते हैं हम, b में नहीं है तो। तो ये आगे आ जाएगा y belongs to a minus b या y belongs to a। तो ये बन जाएगा y belongs to a minus b union a। तो कुल मिलाकर ये बन गया, ये इसका सबसेट बन गया, a is subset of a minus b union a। तो ये दोनों कथन से दोनों बराबर हुए। तो इस प्रकार ये समुच्चयों का बीजगणित का चैप्टर समाप्त होता है। आगे इनके अवयवों पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।